हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गुलाब जामुन विद आइसक्रीम। इसके लिए मैंने 4 गुलाब जामुन लिए हैं और मैंने आइसक्रीम ली है पिस्ता फ्लेवर वाली। आप कोई भी ले सकते हैं, वनीला ले सकते हैं, केसर ले सकते हैं, मैंगो ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा मैश करूँगी। सबसे पहले मैं गुलाब जामुन को काट लूँगी छोटे छोटे पीसेस में। ये हमने गुलाब जामुन के पीस कर लिए हैं। एक गुलाब जामुन को मैंने 4 पीस किए हैं और ये आइसक्रीम को मैंने पिघला लिया है। ज़्यादा नहीं पिघलाना, थोड़ा थोड़ा मेल्ट करना। अब मैं इसको ट्रे में डालूँगी। इसकी हमने क्यूब्स बनानी है, छोटी छोटी क्यूब्स बनानी है हमने इसकी। ये देखिए, मैंने इसके 4 क्यूब्स बना लिए। अब मैं गुलाब जामुन रखूँगी। ये देखिए, इसको मैं अब रेफ्रिजरेटर में आधे घंटे के लिए रख दूँगी ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। ये देखिए, ये हमारे टाइट हो गए हैं थोड़े थोड़े। आइसक्रीम भी हो गई है, अब हम इसको रेडी करेंगे। अब हम सबसे पहले इसमें गुलाब जामुन डालेंगे, 2-2 पीस डालेंगे। अब हम इसके ऊपर आइसक्रीम डालेंगे। फिर हम थोड़े से गुलाब जामुन डालेंगे कटे हुए। इसमें हमें दोनों का फ्लेवर देना है, इसलिए हम दोनों चीज़ें मिक्स करके इसमें डालेंगे, आइसक्रीम भी और गुलाब जामुन भी। ये 2 चॉकलेट क्यूब्स हैं, इसको मैं थोड़ा थोड़ा काटूंगी। मैंने काट के ग्रेट कर लिया थोड़ा सा। अब ये इसको हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल करेंगे। ये देखिए, इसके ऊपर हम जो हमने जो क्यूब्स बनाई थी वो रखेंगे एक साइड पे। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारी आइसक्रीम बिल्कुल रेडी है। ये देखिए गुलाब जामुन आइसक्रीम, ये बड़ी टेस्टी लगती है, इसको ट्राई ज़रूर करना। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताना कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। थैंक यू।